शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब मानते हैं कि हम सबको रचने वाला ईश्वर है और हम सब में वो मौजूद भी है, लेकिन कभी कभी वो चुनता है हम में से किसी एक को और बनाता है उसे सबसे अलग। का हर दौर किसी न किसी के एकदम अलग होने का गवाह रहा है। हर युग साक्षी रहा है ऐसे लोगों का, जो सबकी तरह होते हुए भी सबसे अलग थे। आखिर ईश्वर क्यों चुनता है किसी एक को? शायद अपनी सत्ता का एहसास दिलाने के लिए, या फिर शायद किसी खास मकसद के लिए। तेजस रस्तोगी को अलग बनाने के पीछे उसका क्या मकसद था? कोई मकसद था भी या नहीं, जवाब शायद मिलता। लेकिन इंसान तो ईश्वर का इरादा जानने की जगह हमेशा उसे चुनौती ही देता रहता है। ह्यूमन माइंड, नाउ आई नीड अ ह्यूमन माइंड फॉर माय एक्सपेरिमेंट्स। अब जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करना फजूल है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पिछले 15 साल से हम एनिमल के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आई नो ईच एंड एवरी सीक्रेट ऑफ द एनिमल ब्रेन, बट नाउ अब मुझे आदमी चाहिए। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है तुम्हारी इस कंट्री का लॉ, जिंदा आदमी पर एक्सपेरिमेंट करने नहीं देता। लेकिन हम जिंदा आदमी पर एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। सर आपने कैलिफोर्निया से आके करोड़ों रुपए लगा के इतनी बड़ी लैब बनाई, इस रिसर्च का हमें क्या फायदा होने वाला है? हमें क्या मिलने वाला है? वी विल क्रिएट अ प्लेस इन हिस्ट्री। पैसा, पावर, क्या तुम ऐसी दुनिया इमेजिन कर सकते हो जहां कोई भी पार्किंसंस डिजीज का शिकार ना हो, कोई एपिलेप्सी ना हो, कोई पागलपन ना हो, कोई अल्जाइमर्स ना हो? एक ऐसी दुनिया जहां ह्यूमन ब्रेन के ऊपर
पूरा कंट्रोल हो, कंप्लीट कंट्रोल। अब इस रिसर्च के लिए तुम एक आदमी तैयार करो। लेकिन सर आदमी मिलेगा कहां? बाय हिम, खरीदो। तुम्हारी इस कंट्री में हर चीज खरीदी जा सकती है। आई नो दैट, जिंदगी भी मौत भी। नाउ गो एंड गेट मी अ मैन। सर डॉक्टर कोठारी चेक करके गए हैं, हार्ट अटैक का मामला है। सर्टिफिकेट उनके क्लिनिक से कलेक्ट करना है सर। लेकिन सर अपन को तो थोड़ी सी गड़बड़ महसूस हो रही है। क्या मतलब? सर इस घर के छत की तरफ आप देख रहे हैं? वैसे तो मुंबई में बड़ी बड़ी इमारतों पर मैंने ऐसे कई रॉड्स लगे हुए देखे हैं। वो शायद इन्हें इसलिए लगाते हैं कि अगर बिजली गिरे तो टकरा कर इनसे नष्ट हो जाए। लेकिन सर ये मकान भी इतना ऊंचा नहीं है, और फिर इतने सारे रॉड्स, और सर उन रॉड्स में से बिजली, मेरा मतलब है कि लाइट भी चमक रही है। सर आप बता सकते हैं काहे को? मात्रे साहब पिछले 2 घंटे से आप यहाँ हैं, जब आप नहीं बता सकते तो मैं कैसे बताऊंगा? ये घर और यहाँ की हर चीज बहुत ही मिस्टीरियस है। काले पर्दे, सालों पुराना टेलीविजन, पता नहीं यहाँ फोन है या नहीं। नहीं है सर, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा, बड़ी अजीब जगह है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर मैं तो कहता हूँ कि वो बुढ़ा जो मर गया कोई तांत्रिक वांत्रिक था। आत्माएं बुलाया करता था सर। पड़ोसियों का कहना है कि रात में अक्सर वो किसी को यहाँ चलते फिरते महसूस किया करते थे, और रात में तो आत्माएं ही चला करती हैं सर। मात्रे साहब जी, आप ये फालतू के कंक्लूजन निकालना कब बंद करेंगे? पता करो हेमंत रस्तोगी का कोई वारिस या रिश्तेदार है या नहीं। सर पता कर लिया है सर, उसका कोई भी वारिसदार नहीं है। पड़ोसियों का कहना है कि इस घर में उन्होंने बरसों से किसी को भी आते जाते नहीं देखा। बुढ़ा यहाँ अकेले ही रहता था, और पड़ोसियों से भी कोई खास मतलब नहीं रखता था। किसी एमआर कॉलेज में प्रिंसिपल था, और 17-18 साल पहले ही उसने वहां से भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन कोई तो रिश्तेदार होगा, दूर कैसे ही? नहीं सर फिलहाल तो कोई नहीं। हाँ एक लड़का हुआ करता था, लेकिन पिछले 17-18 सालों से उसे किसी ने देखा नहीं। शायद मर गया होगा। शायद जिंदा है। हाँ? सर मैं घर जाऊं? सर सर्टिफिकेट भी तो लाना है, मैं जाऊं सर? क्यों डर गए मात्र साहब? मैं जाता हूं सर। ठीक है जाइए। हेलो अंकल। हेलो पूर्वा। बेटी तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। आप तो जानते हैं डैड सेंटर छोड़कर कहीं नहीं जाते।
इसीलिए फोन किया था मैंने। अगर ये केस स्पेशल नहीं होता तो मैं उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता। डैड बता रहे थे पूर्वा यहाँ एक लड़का है, उससे जब तुम मिलोगी उसे देखोगी तो हैरान हो जाओगी। कैन यू इमेजिन, पिछले कई सालों से वो लड़का इस घर से बाहर तक नहीं निकला है। मुझे लगता है वो एक रहस्य है जिसे इस घर के लोगों ने छुपा कर रखा है। रहस्य? हाँ रहस्य। आज सुबह इस घर के ओनर की डेथ हो गई तो पड़ोसियों ने हमें इन्फॉर्म किया। यहां आने पर इस घर के बेसमेंट में हमें यह लड़का मिला, लेकिन वो ना तो बात कर रहा है ना ही ऊपर आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी उससे बात करने की, लेकिन शायद वो मुझसे नहीं तो फिर मेरी वर्दी से डरता है। एक बार तुम कोशिश करके देखो ना, हो सकता है तुमसे बात करे। मैं पूर्वा राणा, बहुत दूर से आई हूं तुमसे दोस्ती करने के लिए। क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है कि किसी के साथ दोस्ती करने का पोलाइट तरीका होता है उनसे हाथ मिलाना, नहीं? मेरे पिता थे वो, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर सका। तुम सुबह से यहाँ? नहीं, 18 साल से, क्योंकि मेरी आंखें धूप और तेज रोशनी सह नहीं सकती। तेजस, क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ, छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो बेटा, प्लीज आंखें खोलो। डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया। क्या हुआ आपके बेटे को? वो अचानक इसकी आंखें एकदम लाल हो गई। आप घबराइए मत, मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, इसकी आंखें पहले भी लाल हुई थी, लेकिन इतनी लाल तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आंखें खोलो ना तेजस। आंखें खोलो बेटा, वरना मैं चेक कैसे कर पाऊंगा। खिड़की बंद करो। अब खिड़की बंद कर दिया, अब आंखें खोलो बेटा। इसकी आंखें तो ठीक है, मुझे लगता है शायद सूरज की रोशनी इसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती। डॉक्टर की बातों ने हेमंत रस्तोगी को कुछ ज्यादा ही डरा दिया। इसके अलावा पापा कहते थे कि मेरा बाहर निकलना मेरे और दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? कैसे?
बच्चे ने इलेक्ट्रिक सॉकेट में उंगली रख दी थी क्या? हाँ, वो अगर आप इसे लाने में जरा सी भी देर कर देते ना तो इसकी जान जा सकती थी। मतलब अभी ये ठीक तो है ना? वी नीड टू कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन। मैं नोट लिख देता हूं, इसे हम एडमिट कर लेते हैं। मिस्टर रस्तोगी, आज तो ये बच्चा बच गया पर फ्यूचर में इट कैन बी डेंजरस। प्लीज आइंदा ख्याल रखिएगा। इस हादसे के बाद हेमंत रस्तोगी ने फैसला कर लिया कि वो तेजस को ना तो कभी घर से बाहर निकलने देंगे और ना कभी किसी से मिलने देंगे। ये एक बेहद डरे हुए पिता का फैसला था जिसे बेटे ने खामोशी के साथ मान लिया। ऐसा दिल डरा डरा था यहाँ, जाने क्यों डरा डरा था बता, मुझको तो साथी ऐसा मिला, सहमा सा था वो इस भीड़ में जो तनहा 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 चला है। जब से वो सामान से संभल के मिली है उसे मंजिल, हाथों पे चल के होगा नहीं ऐसा कोई, हाँ अब दूसरा वो है जुदा, वो है अलग, वो है अलग। उर्वा, उम्र के जिस दौर में बचपन खत्म होता है और इंसान जवानी में कदम रखता है, जिंदगी के दांव पे सीखता है, अच्छाई बुराई को समझता है, मैनिपुलेट करना शुरू करता है, उस पूरे वक्त ये लड़का एक घर में बंद रहा। अब लोगों से मिलकर ये कैसे रिएक्ट करेगा और लोग इसे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। शायद दुनिया का सामना करने के लिए इसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं समझ रही हूँ अंकल, हमें सिर्फ इसका ख्याल नहीं रखना होगा, इसकी हिफाजत करनी होगी। We'll have to protect him. पापा कहते थे एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं होंगे और मुझे यहां से बाहर निकलना होगा, दुनिया को फेस करना होगा। सच कहते थे वो। जिंदगी थोड़ी ना इसीलिए मिलती है कि उसे एक जगह रहकर गुजारा जाए। ये सब किताबें तुम्हारे पापा की हैं? नहीं, मेरी हैं। इन किताबों ने ही अब तक मुझे जिंदगी से जोड़े रखा है। तुमने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? हर पेज हर वर्ड याद है मुझे। वो है अलग, सबसे अलग, हाँ सबसे अलग। तेजस, तुमने जिंदगी को आज तक किताबों में पढ़ा है, अब हमारे सेंटर में रहकर तुम्हें जिंदगी को जानने और समझने का मौका मिलेगा। Oh,
अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। पूर्वा बेटी, ऊपर वाला हर अच्छे काम के लिए कभी ना कभी किसी को चुनता है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस लड़के की देखभाल करने के लिए उसने तुम्हें चुना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रेडियो नहीं चलेगा। जहां मैं होता हूँ रेडियो या टीवी नहीं चलते। क्यों? साथ रहोगी तो जान जाओगी। क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? शो ब्रेक है ना गाड़ी में। लेके दिल लम्हा तन्हाई का, थम गया समय जुदाई का, खामोश क्यों आवाज है जाने छुपा, क्या राज है? हुआ है दिल अकेला, अंधेरों से निकल के आया है ये उजाला, दीवारों से निकल के देखी नहीं ऐसी कहीं। हाँ दुनिया नहीं, सबसे जुदा सबसे अलग, सबसे अलग सबसे अलग, हाँ सबसे अलग। सॉरी, मुझे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसे किया तुमने ये? क्या किया मैंने? ये मैंने लोगों को तितलियों के पीछे भागते हुए देखा है। बचपन में मैं भी उनके पीछे भागती थी, लेकिन कभी कोई पकड़ में नहीं आई, और अगर आ भी जाती तो हथेली खुलती उड़ जाती। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसे लगा जैसे कि तुम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे कि वो तुमसे बातें कर रही हैं। कैसे किया तुमने ये? शायद इसलिए कि वो मुझे अलग नहीं मानती अपने से, जैसे मैं उन्हें खुद से अलग नहीं मानता।
आज खुद को यहाँ उजाले में पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी इस सबका एक हिस्सा हूँ। सब मुझसे कुछ कहते हुए और मुझसे कुछ सुनते हुए से लग रहे हैं। क्या आपको नहीं ऐसा लग रहा? नहीं। फिर शायद आप भी उन लोगों में से हो जो आसमान के तारों की तरफ हाथ फैलाते हैं लेकिन जमीन पर अपने पास एकदम पास खिले हुए फूलों को देखते तक नहीं। चले तेजस। ये सिर्फ दिखने में टफ है ट्रेनिंग दे इसको। लेकिन तुम्हारी तरह अकेले हैं, डरे हुए हैं। जॉन भाई क्या है वो? देखो मैडम के साथ एक टकला। कम ऑन लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मैडम। माँ ने कुछ साल पहले ये सेंटर स्टार्ट किया था। पहले तो ये अनाथालय था, अब ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है। यहाँ पर कुछ ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने जाने अनजाने में कोई क्राइम किए हैं। उन्हें यहाँ पर बेहतर इंसान बनाया जाता है। उन्हें यहाँ पर पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, क्राफ्ट सिखाया जाता है। फिर हमारे किसी कंपनी में जॉब मिल जाती है। माँ के बीमार होने के बाद डैड ने इस सेंटर को अपना मिशन बना लिया और मैंने अपनी ज़िंदगी। ये रहा तुम्हारा कमरा। ये रहा तुम्हारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म? हाँ ये लो, इसे पहनकर तैयार है ना? हम कल सुबह फिर मिलेंगे, ओके? रेडी? मैं तो 7 बजे से तैयार हूँ। रात को ठीक से सोए थे? हाँ, पर थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या है? तुम्हारी आँखों के लिए लेंसेस। इन्हें लगाने से तुम्हारी आँखों को तकलीफ नहीं होगी और तुम तेज रोशनी में भी बाहर जा सकोगे। थैंक यू। यू वेलकम। अरे ऊपर लेना यार। ये जो है वो टकला दिखाया था ना मैंने, वो देख मैडम के साथ आ रहा है। देख देख दोस्तों, ये तेजस है, हमारे सेंटर का, हमारे परिवार का नया सदस्य। उम्मीद है कि आप सब इसे अपना दोस्त बनाएंगे और मुझे या राणा सर को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। तेजस, तुम्हारे नए दोस्त। तेरे बाजू बेटा।
चपड़ चपड़ करते रहते जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोला था मैंने तेरे को ये क्या ब्रदर? मैडम बोली तुमको दोस्त बनाने का, तुमसे दोस्ती करने का, तुमसे दोस्ती करने का, और एक तुम है कि साला हमको भाव ही नहीं दे रहा है, अकेले अकेले खा रहे है। लाइफ में बहुत टकले देखे बाप, इसके जैसे टकला पहली बार देखा। टकले पे तो बाल है ही नहीं, आप पे भी बाल नहीं है और पूरी बॉडी पे खाली खाल है। ये भाई तू क्या जापान से आया, जहाँ पे अमेरिका ने बॉम्ब फेंका था? अकबर हाँ भाई, आपने हीरो को बिल्कुल तंग नहीं करने का, बिल्कुल तंग नहीं करने का, इसको देखता नहीं कितना भूख लगे है। लेकिन ब्रदर अपने इधर एक रूल है मालूम, यहाँ पे जो भी आता है ना फर्स्ट टाइम खाना खाने को, उसको चम्मच मुंह में डालने से पहले ना पहनना पड़ता है, वो भी नाक पे। नहीं समझा ना अकबर? हाँ भाई। लेना पहन के दिखा इसको, ये देख। अभी ऐसा ही करना चल स्टार्ट। और सुन, ये चम्मच तू पहन नहीं पाया ना, तो मैं पहना देगा कहीं और। चल पहले।
तूने किया है ना, इससे अपन घबरने वाला नहीं है। ये ट्रिक है ना, तो किसी और को दिखाना, समझा? अपन के साथ तो बिल्कुल भी कोई ट्रिक नहीं चलेगा क्या? तुम, क्या नाम है तुम्हारा? टकला टोपी। तेजस रस्तोगी। किस क्लास तक पढ़े हो? अभी स्कूल नहीं गया। साइलेंस साइलेंस। कभी स्कूल नहीं गया मैं। खैर कोई बात नहीं, आज तो जीके की क्लास है, कुछ सीखने की कोशिश करो। ओके बॉयज, लेट्स स्टार्ट। वो कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ियां नहीं होती? केले का पेड़। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि धरती का कितना परसेंट पानी पीने लायक? 97% पानी समंदर में जाता है, बाकी 3% में से 2% बर्फ है और 1% पीने के लिए अवेलेबल है। तुम्हें तो सब पता है, मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम कभी स्कूल ही नहीं गए, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलता सर। तो फिर इतनी जानकारी तुम्हें कहां से मिली? किताबों से। ओह, बहुत किताबें पढ़ी है तुमने। 18 साल के 18 घंटों में रोज जितना पढ़ सका उतनी पढ़ी है मैंने। आई सी। अच्छा तो ये बताओ कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 1,946 लाख किलोमीटर। मर्क्यूरी 579, वीनस 1,082, मार्स 2,270, जुपिटर 7,783, सैटर्न 14,270, यूरेनस 28,696, नेपच्यून 44,966 एंड प्लूटो 51,000 लाख किलोमीटर दूर है सूरज से। टेंशन नहीं लेगा। क्या सही बोला कि नहीं? सही बोला। अरे अरे अपना हीरो आ रहा है। हाँ चल चल। अरे अकबर कैसा है दोस्त? गंदा है। इससे पंगा नहीं लेने का। क्यों रे? बहुत दिमाग वाला है टकला। हाँ जान भाई, इसने तो आज गुप्ता सर के बोलते ही बंद कर दी। क्या बोल रहा है? हाँ बुक पिक लेके निकल के क्लास से। क्या बोला रे तूने सर को? बोलना ये बोल। अपन तेरा दोस्त है, बोलना ये बोलना। बताना रे, बोलना ये बोलना। ये बोलना बता। ये बोलना किसको राना सब बुला रहे हैं? अब आइए। अकबर। हाँ भाई। राना साहब तो किसी से नहीं मिलते रहे, ये टकले से कैसा मिल रहा फिर? मेरा नाम पुष्कर राणा है। तेजस, तेजस रस्तोगी।
बैठो। कल मेस में ट्रिक दिखाकर तुमने लड़कों को इंप्रेस करने की कोशिश की? हाँ नहीं सर, मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। देखो तेजस, हमारा सेंटर उन लोगों का घर है जो किसी न किसी वजह से अपने घरों से दूर हैं। सर घर तो घर होता है, कोई भी जगह घर जैसी हो सकती है, घर नहीं। कल क्लासरूम में क्या हुआ? प्रोफेसर गुप्ता क्लासरूम छोड़कर क्यों चले गए? मुझे नहीं पता, लेकिन उनका तो कहना है कि तुमने सारे स्टूडेंट्स के सामने उनकी इंसल्ट की। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उनके सवालों का सही जवाब देने की कोशिश की। देखो जितना पता हो उतना बताना हमेशा जरूरी नहीं होता, कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहना चाहिए। क्यों सर? इसलिए कि सामने वाला हर्ट न हो, उसे तकलीफ न पहुंचे। सही और सच बोलने से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है सर? होती है, होती है। सच अक्सर तकलीफ पहुंचाता है। सर सच उसे ही तकलीफ पहुंचा सकता है जिसमें उसका सामना करने की हिम्मत ना हो। तेजस, इंसान को हालात के मुताबिक सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां सच किसी की जान ले लेता है और झूठ किसी की जान बचाता है। और तुम किस हिम्मत की बात कर रहे हो? अरे सच का सामना करने की अगर सब में हिम्मत होती तो हर आदमी भगवान होता। कोई इंसान कमजोर नहीं होता, हालात, वक्त और रिश्ते उसे कमजोर करते हैं। तुम अभी यंग हो इसलिए तुम्हें इन सब बातों का एहसास नहीं है। नहीं सर, मैं अगर बूढ़ा भी हो जाऊं तब भी सच बोलना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पापा ने और इन किताबों ने मुझे यही सिखाया है। किताबों का सच जिंदगी की हकीकत नहीं होता। दिस वर्ल्ड इज बियॉन्ड बुक्स। इस दुनिया में रहने और जीने के कुछ रूल्स होते हैं जिसे सबको मानना पड़ता है। इस सेंटर के भी कुछ नियम। ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती, तुम्हें इस दुनिया के हिसाब से चलना होगा, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। अब जाओ और इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी वजह से दोबारा किसी को तकलीफ न पहुंचे। नाउ गो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नाराज हो? मुझे घर जाना है। तेजस, तुम्हें लोगों को समझने में और लोगों को तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मैंने क्या किया था? तुमने कुछ नहीं किया। मिस्टर गुप्ता डर गए थे तुम्हारे जवाबों से, तुम्हारी इंटेलिजेंस से, इसीलिए उन्होंने डैड से शिकायत की। ये दुनिया ऐसी ही है, तुम्हें इस दुनिया को जानना होगा, पहचानना। नहीं जानना मुझे ऐसी दुनिया को जहां सच बोलने पर सजा मिलती है। इतनी जल्दी हार मान गए? सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल सच और झूठ का है। और मैं ऐसी जगह नहीं रह सकता जहां सच बोलने से मना किया जाता है। तो ठीक है, जाओ जाओ अपने उस अंधेरे कमरे में और रहो उस सच के साथ जिसका सच से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि तुम में उस सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है जो हकीकत है। मैं जानती हूं डैड ने तुमसे रूठली बात की, लेकिन क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की तुमने? बस कह दिया कि सच्चाई से तकलीफ सिर्फ उसी को होती है जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। तुम्हें क्या पता वो किस सच का सामना हर पल कितनी हिम्मत से करते हैं। मैं समझा नहीं। चलो मेरे साथ। Thank you.
तेजस को भी क्या मालूम कि दुनिया में कुछ ऐसे भी सच होते हैं जिनका सामना हिम्मत वाले भी नहीं कर सकते। मुझे उसके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, है ना? लेकिन आखिर मैं भी क्या करूं गायत्री, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो गया हूं मैं? शायद तुम साथ होकर भी साथ नहीं हो इसलिए। एक दिन गायत्री तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं लौट आओ गायत्री, प्लीज कम बैक गायत्री, आई नीड यू गायत्री, प्लीज कम बैक। मॉम ये सेंटर खोलकर बहुत खुश थी, हम सब भी बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई। डैड इसके बाद अपने आप में सिमट गए। इसके पहले वो हर बात पर बहुत मजाक करते थे, लेकिन अब नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें खुश करने की, अब भी करती हूँ, लेकिन
makes me go crazy. मैंने कहा था ना तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी। सेकेंड की देरी हो गई रे वरना ये शिकार तो अपना ही था। अकबर चल शिकार हो गया चल। क्या सिंह साहब क्या निशाना है बाप आपका? अरे तो कहां से वो शिकारी का जिसका निशाना चूक जाए। अरे खानदानी शिकारी हैं हम। आओ बिटवा सुन, इसके बारे में मैडम को मत बताना। वो बच्चों को लेके दूसरी तरफ गई है। जब तक लौटेगी ससुरा हमारे पेट में होगा। समझ गया ना? ए, क्या कर रहा है? अरे काहे उठा रहा है उसे? ला ही ला, गला रे इतना होगा उसका। इधर ला दे इधर। और Come on!
मर जाएगा जॉन भाई। छोड़ 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 दो छोड़ छोड़ दो उसे छोड़ 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 तेजस, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी वजह से यहाँ किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कहा था कि नहीं? डैड मैं वहाँ थी। पूर्वा प्लीज, हमेशा इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक एम्प्लॉई मरते मरते बचा है, इसे बोलना होगा, जवाब देना होगा। बोलो, जवाब दो, क्या हुआ था तुम्हारे और मिस्टर सिंह के बीच में? क्या हुआ था? तुमने आखिर किया क्या? उसकी आंखें खोलने की कोशिश, वो देख नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। तेजस, पहलिया मत बुझाओ, मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। तुम्हें पता है सिंह का ब्लड प्रेशर इतना हाई और उसका पल्स रेट इतना फास्ट हो गया था? अरे उसे हार्ट अटैक हो सकता था, ब्रेन हेमरेज हो सकता था, पैरालिसिस हो सकता था। He nearly had a cardiac arrest. अरे उसने क्या किया कि तुमने उसकी ऐसी हालत की? Give me an answer. I want an answer now. जवाब दो मुझे, मुझे जवाब चाहिए। मैडम, और वो भी तबीयत बहुत खराब हो गया, आपको बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, गाड़ी निकालो। तेजस, ये बात यहां खत्म नहीं हुई। आई वॉन्ट आंसर्स, मुझे जवाब चाहिए। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं देना मुझे कोई जवाब, तुम सब फेक जैसे हो। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना जो किसी की जान लेकर खुश होते हैं, बिना किसी वजह के किसी को मार देते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर तुम लोगों को आखिर खुशी कैसे मिल सकती है? मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर जाना ही था तो अब तक रुके क्यों? तुम्हारे लिए। आसमां बता उसे क्या हुआ, हो ऐ खुदा गुनाह जाने क्या हुआ। आसमां बता उसे क्या हुआ, ऐ खुदा। डॉक्टर गायत्री। मिस्टर राणा, शी सिंकिंग। नो, हर रास्ता तू ही बता। देखा जो यहाँ उसने आईना बदल के, पाया सदा है उसने ये दिल तो मचल के। ऐसा यहाँ कोई नहीं, चेहरा मेरा वो है जुदा, वो है अलग, वो है अलग, सबसे अलग, हाँ सबसे अलग। डैड, मॉम, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, शी इज फाइटिंग फॉर हर लाइफ। Hey, hey, hey.
महल है क्या? हाँ? ए, सिंह के साथ क्या किया तूने? अपने को जाने दे रहा। चुप बैठो। सिंह के साथ तूने क्या किया था ना, ये अपने को मालूम करने का तेरे से, समझा क्या? इधर उधर क्या देख रहा है, इधर देखना। अरे अकबर, खून से ले अपने को। ए, मारेगा क्या? मारेगा, चल चल मारना, चल ए, इस टकले के छाती पर भी बाल नहीं है रे। छोट, क्या किया तूने के साथ? बोल बोल बोल, के साथ क्या किया तूने? बता, बहुत मारता था ट्रिक दिखा था ना, ट्रिक दिखा, 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 पूरा चमड़ा है। तेरे को जाने दो ना चंद भाई। तेरे को निकलना तो तू निकल, अपन इससे हिसाब चुकता करके निकलेगा आज, पता चल चल बोल। अच्छा तो मेरे हीरो को करंट से डर लगता है, है? चल चल तेरे को दिखाता हूँ। हमारे सेंटर के लड़के कहाँ हैं? वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14? उस तरफ। तेजस? कुछ बताया नहीं। पर कुछ तो बताया होगा। How is he? डॉक्टर, तेजस का क्या हाल है? तेजस अब एकदम ठीक है। पर इतना करंट, इतना इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बावजूद वो एकदम नॉर्मल है? हाँ, मैंने खुद देखा था कि इतना बुरा झटका लगा था उसको करंट का कि वो जमीन से 15-20 फीट ऊंचा हो गया था। और उसके बाद भी उसकी हार्ट बीट थोड़ी एबनॉर्मल हुई, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ने या उतरने के बाद एक आम इंसान की होती है। उसके शरीर पर एक स्क्रैच तक नहीं। मेरे हिसाब से तो ये एक मिरेकल है। शायद तेजस में एक अद्भुत शक्ति है जिसकी वजह से वो इतनी तेज बिजली सहन कर सकता है। ये बात समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल है। शायद इसीलिए उसके जिस्म पर कोई बाल नहीं। जॉन कैसा है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। यही है वो लड़का जिसकी तलाश, जिसकी जरूरत हमें बरसों से थी। ये लड़का हमें एक बार मिल जाए तो हर सवाल का जवाब भी मिलेगा।
तो इसका मतलब अगर तेजस मिल जाए तो आप वो दवा बना लेंगे ना जो किसी भी दिमाग की कैपेसिटी बढ़ा सकती है, जिसको लेके कोई भी बेवकूफ आदमी इंटेलिजेंट बन सकता है। इसके बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं होगा ना। नॉट ओनली दैट माई फ्रेंड, ये एक बार दवा बन जाए तो एपिलेप्सी, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस जैसी हर बीमारी का इलाज सिर्फ मेरे पास होगा। हर तरह का पागलपन सिर्फ मैं खत्म कर पाऊंगा। दिमाग से जुड़ी हर मुसीबत का हल सिर्फ हमारे पास होगा। डॉक्टर साहब, 14 नंबर पेशेंट की डेथ हो गई। व्हाट? जॉन मर गया? पापा कहते थे मैं सबके लिए खतरा हूं। लेकिन मेरी वजह से किसी की मौत हो सकती है, ये मैं नहीं जानता था। मुझे माफ कर देना जॉन, मुझे माफ कर देना। गुड। और सेंटर में लाइटनिंग रॉड्स लग गए? जी हाँ सर। गुड, चलो जाओ। डैड, तेजस चला गया। What? हाँ डैड, वो सेंटर छोड़ के चला गया। आई थिंक ये ठीक ही हुआ, सेंटर के लिए भी और शायद तेजस के लिए भी। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है कि तेजस का सेंटर से बाहर जाना डेंजरस हो सकता है उसके लिए? उसके अलावा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? हमें उसे वापस लाना होगा। लेकिन तुम उसे कहाँ तलाश करोगी?
तेजस। तेजस जान गया था कि जॉन की मौत उसके वजूद पर एक सवाल है, इसीलिए पूर्वा को देखते ही वो बिखरने लगा। मुझे उस आत्मा के साथ खत्म हो जाना चाहिए था। डॉक्टर, आई एम सॉरी मिस्टर रस्तोगी, हम उन्हें नहीं बचा सके। लेकिन आपका बच्चा जिंदा है, हमारी वजह से नहीं, किसी मिरेकल की वजह से। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह बच्चा बहुत खास है, इसका ख्याल रखिएगा। तेजस को जिंदगी तो मिली लेकिन कई शर्तों के साथ, और वो इन शर्तों के साथ जीना सीख भी गया। लेकिन एक दिन उसके आसपास के अंधेरे ने उसे बेचैन कर दिया। ये सब क्या है बेटा? तेजस, ये किताबें क्यों फेंक दी है तुमने? हाँ, इनसे क्यों नाराज हो भाई? तेजस बेटा, ये किताबें तुम्हें बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं, तुम्हें नॉलेज देती हैं, तुम्हारा अकेलापन बांटती हैं, है ना? है ना? नहीं पापा, अब मैं अपना अकेलापन इन किताबों के साथ नहीं बांटना चाहता, बाहर जाना चाहता हूं। ये किताबें सिर्फ बताती हैं, कुछ महसूस नहीं कराती, जबकि मैं महसूस करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं पापा, नीला आसमान, धूप में चमकता पानी, रंग बिरंगे लोग, उनकी हंसी पापा। तेजस, तेजस, उनकी हंसी पापा, मैं जिंदगी को रोशनी में देखना चाहता हूं पापा, रोशनी में देखना चाहता हूं पापा। मैं समझता हूं बेटा, मैं समझता हूं, तुम्हारे अंदर जो घुटन है उसे मैं महसूस कर सकता हूं बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, चाहकर भी मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज सकता, तुम्हें और दूसरों को खतरे में नहीं डाल सकता मैं बेटा, नहीं डाल सकता। लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें बाहर जाना ही है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन अकेले उस दुनिया को फेस करना है बेटा, करना है। मैं दुनिया को तो फेस कर सकता हूं, लेकिन मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, किसी की जान जाए, ये मैं सह नहीं सकता। मैं जिंदगी को समझना चाहता था, लेकिन सिर्फ इतना ही समझ पाया कि मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अलग हूं, मुझे दोस्ती करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अलग हूं, और शायद जीने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अलग हूं। इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्योंकि तुम अलग हो, oh!
मेरा खुल गया, सांझ की पिघलती धूप में मखमली सवेरा खुल गया, ओ चाहतों की महकी बूंद से सुरमई अंधेरा धुल गया, अखियों में सजदा वे सतरंगी कोई सपना सिंह बैठो साहब। ये क्या है साहब? ये हमारा इस्तीफा। इस्तीफा क्यों? तबीयत तो अब ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है साहब जी, लेकिन मन ठीक नहीं है। उस दिन तेजस ने हमारा हाथ पकड़कर जिंदगी ही बदल दी। उस दिन हमने कबूतर मार गिराया था, बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन तेजस से उस कबूतर का दर्द देखा नहीं गया। उसने एक हाथ से कबूतर उठाया और जैसे ही दूसरे हाथ से मुझे पकड़ा, लगा कि कबूतर का सारा दर्द हमारे भीतर आ गया हो। तड़पने लगे हम भी, ऐसा लगा मानो हमारे सीने में भी एक गोली लगी हो। हमारा दिल डूबने लगा उस कबूतर की धड़कन के साथ साथ, हमारी धड़कन भी बंद होने लगी। उस कबूतर का सारा दर्द हमारे भीतर उतार दिया। तड़प तड़प कर मरना कैसे कहते हैं, पहली बार जाना, अब हम कभी बंदूक नहीं उठाएंगे। साहब जी हमें माफ कर दीजिएगा, अब हम ये नौकरी नहीं कर सकते साहब जी। एक बात कहें साहब, एक बार मेम साहब के पास तेजस को जरूर ले जाइएगा। भगवान ने कुछ सोच समझकर उन्हें यहां भेजा है। सर आप इस वक्त मैं पुष्कर राणा नहीं हूं। इस वक्त तेजस इस वक्त एक बेबस हस्बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है जो अपनी वाइफ को जिंदगी में वापस चाहता है।
किसी भी कीमत पर। कह सकते हो एक ऐसा सेल्फिश इंसान जिसने सारी कोशिश की पर हार गया, और सिंह को देखने के बाद थोड़ी सी उम्मीद लेकर हाथ फैलाकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे नहीं पता तुम क्या कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि तुम्हारा यहां होना गायत्री को महसूस होता है। मुझे अपनी गायत्री वापस चाहिए, प्लीज। आओ इस तरफ। जी। सर ये क्या हो गया, मशीन क्यों बंद हो गई? रोजी जाओ। कोशिश कर रही है। बहुत ही परेशान है, इन्हें कहीं पहुंचने की बेचैनी है। हार्ट अटैक? आपको गायत्री नहीं, इन्हें लग रहा है आपको हार्ट अटैक हुआ है। ये वक्त पर नहीं पहुंच सके। गायत्री सॉरी, ये क्या कह रही हो तुम गायत्री? मुझे इतनी सजा मत दो कि मैं खुद से नफरत करने लगूं। मेरा एक एक पल, एक एक लम्हा सिर्फ इस इंतजार में गुजरा है कि मैं तुमसे माफी मांगू और तुम मुझसे माफी मांग रही हो। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर गायत्री। It's not fair, not fair. Kindly, please, kindly. Please, not at all. Please. God.
सही कह रहे सर, वो कोमा से बाहर आ गई है और पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर डायर, तुम लोग आप उनको माफ करेगा ना? अरे तेजस, तू आप उनको भी बहुत दुख हुआ जॉन के वास्ते। आप उन्हें नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ हो, लेकिन मैं तो उसका कमी तो पूरा नहीं कर सकता ना, लेकिन तुम्हारा दोस्त बनके तुम्हारे साथ रहना मांगता है। अरे तेजस, तेरे में जॉन भाई की आत्मा आ गई क्या रे? हाँ रे, तू तो अपन लोग की बोली बोल रहा है। एकदम डिट्टो। सही बोल रहा हूँ ना? अरे एकदम जकास बिड़ू। बस टकाटक बाप। तो फिर दोस्त बनोगे? क्यों नहीं बॉस, आज से अपनी टोली और तेजस की बोली जैसे सर्कस यारो, तो आओ झूमोगा।
नहीं तो कल्टी मारो और भेजे की खोली में मस्ती की बत्ती जला देना बॉस। अरे पर स्विच किधर गया रे? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल गया। भैया ओ बल्ले बल्ले, भैया ओ बल्ले बल्ले, भैया ओ बल्ले बल्ले, भैया। Ah, Gayatri, how would you like some soup? No, I don't like soup. Okay, then, how about some fruit then? Here you are. हाँ लगाइए, मस्का लगाइए. You know, Gayatri, जिस तेजस को सेंटर के लिए मैंने प्रॉब्लम समझा था, उसी तेजस ने सेंटर का माहौल बदल दिया है. हाँ मामा, तेजस बहुत खुश है. सेंटर का हर एक लड़का जो है, अब तेजस को अपना दोस्त मानता है. मामा, it's not fair. ये आपको कुछ बताने नहीं देते. Where's the phone? It's not fair. हेलो, हाँ क्यों? बट व्हाई? आई सी, नहीं नहीं हो सकता. ओके ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट. क्या हुआ? एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स तेजस से मिलना चाहता है. क्यों? शायद उन्होंने सुना है कि गायत्री इज मच बेटर नाउ. लेकिन डैड, आप जानते हैं कि तेजस. बट डोंट वरी, किसी को तेजस से मिलने से पहले पुष्कर राणा से मिलना होगा. तो आप लोग तेजस को स्टडी करना चाहते हैं? यस मिस्टर राणा, हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ छूकर उसने आपकी बीवी को ठीक कैसे कर दिया. हम ये जानना चाहते हैं कि एक पिजन का पेन उसने सिक्योरिटी वाले के अंदर कैसे ट्रांसफर कर दिया. हम ये जानना चाहते हैं कि उसके ब्रेन में वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो सामने वाले का ब्रेन रीड कर सकता है. और ये सब आप किस तरह जानना चाहते हैं? हमें उसके बॉडी और ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. यानी आप तेजस को इंसान से ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं. जिस तरह चूहों और खरगोशों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वैसा ही कुछ आप तेजस के साथ करना चाहते हैं, राइट? मिस्टर राणा, ऐसा करना बहुत जरूरी है. और अगर आपने इस काम में हमारे साथ कोऑपरेट किया, देन वी शैल अचीव द ग्रेटेस्ट ब्रेकथ्रू इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस. चाहे तेजस मर ही क्यों न जाए, हाँ? मेरे लिए साइंस से ज्यादा अहम है इंसानियत. तेजस की जिंदगी, हिज हेल्थ, हिज हैप्पीनेस. देखिए मिस्टर राणा, मिसेस राणा जैसे ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं, उन्हें भी हम लोग नई जिंदगी दे सकेंगे. हमारा मेन इंटेंशन है लोगों की, पेशेंट्स की भलाई. आप झूठ बोल रहे हैं, आप सब झूठ बोल रहे हैं. आपका इंटेंशन है सिर्फ नाम और पैसा कमाना, आप सब लोगों का. डॉक्टर पुरी, इस देश के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, क्या आज तक आपने किसी ऐसे आदमी की बाईपास सर्जरी की है जो आपकी फीस नहीं दे सकता? और डॉक्टर मानके, आपने तो गायत्री को देखने से पहले ही अपनी फीस कोट की थी, याद है ना? और आप जाने भी दीजिए, मैं आप सब लोगों को जानता हूं. अगर आपके इरादे नेक होते तो शायद मैं कोऑपरेट करने की कोशिश करता, लेकिन आप डॉक्टर नहीं, आप हैं दुकानदार. मिस्टर राणा, ये आप ठीक नहीं कर रहे. आउट, गेट आउट नाउ. साहेब जी, साहेब, साहेब, मैडम के ठीक होने की खबर लगते ही हम आप लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे, तभी देखा ही कुछ लोग तेजस को उठा के ले जा रहे हैं. वो बेहोश था, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन साहब, मौसम विभाग से
साहब मुझे डर है कि तेजस। मुंबई से 60 किलोमीटर दूर विरार इलाके में एक ही जगह पे पिछले आधे घंटे में 4 बार बिजली गिर चुकी है और इस इलाके में लगातार बिजली का कड़कना जारी है। इस तरह अचानक एक ही जगह बिजली के बार बार गिरने से मौसम विभाग हैरान है। और अब खेल समाचार। तेजस यही है। करना है जल्दी से कर लीजिए। इसका ब्रेन वेन या बॉडी का जो भी हिस्सा निकालना है ना, जल्दी से निकाल लीजिए। अगर इसको एक बार होश आ गया ना, तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बिजली के इतने झटके देगा, इतने झटके देगा कि आप व्हाइट से ब्लैक हो जाएंगे। दोस्त, तुम डरते बहुत हो। ये तुम भूल चुके हो कि तुम डॉक्टर रिचर्ड डायर के साथ काम कर रहे हो, द ग्रेटेस्ट जीनियस इन द एंटायर यूनिवर्स। हम तेजस को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर चुके हैं, इसलिए हमने इसके लिए यह खास क्यूबिकल बनाया है। अब अगर यह होश में आए भी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है डॉक्टर साहब, वो देखिए ना, उसको होश आ रहा है। सर वो देखिए, उसको होश आ गया। मैंने कहा था ना, अभी पता नहीं क्या होगा। बस देखिए ना, बस बस। कौन हो आप लोग? अरे बाप रे, कौन हो आप लोग? डॉक्टर रिचर्ड डायर, साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस में मिरेकल करने की कोशिश कर रहा हूं। ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी बढ़ाना चाहता हूं। मुझसे क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि साइंटिफिक हिस्ट्री में तुम सबसे बड़े डोनर बन जाओ, अपने आप को मुझे डोनेट करके। अगर तुम्हारा इरादा ठीक होता तो मैं अपने शरीर का एक एक हिस्सा तुम्हें डोनेट कर देता, लेकिन तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम एक सेल्फिश, एक पागल आदमी हो। तब तो तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि हमने अपने मकसद तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, हम क्या कर चुके हैं और क्या कर सकते हैं, यह भी पता होगा। क्यों? चलो हम दिखाते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। तुम जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अपने मतलब के लिए, नाम के लिए, पैसे के लिए इतने लोगों को मार दिया तुमने। मैं जानता हूं तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन इमोशन रेवोल्यूशन का दुश्मन है। अगर तुम चाहते हो
कितने लोगों की कुर्बानी जाया ना जाए तो हमारी बात मान जाओ, कोऑपरेट करो। डॉक्टर डायर, तुमने मुझे यहां लाकर बहुत अच्छा किया। तुमने मेरी जिंदगी को एक मतलब दे दिया। आप इन बेकसूर लोगों का मरना मैं जाया नहीं होने दूंगा। तुम्हारी वजह से इन्होंने जो दर्द, जो तकलीफ सही है, सब तुम्हें महसूस करना होगा। तो तुम कोऑपरेट नहीं करोगे? अब देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पावर है।
तो अभिशाप ही साबित हुआ। उसे जिंदगी की रोशनी में लेकर आने वाली उसकी वजह से मौत के अंधेरे में गुम हो गई और तेजस अपने आंसू, पूर्वा की याद और उसके साथ बिताए हुए लम्हों को लेकर शब्दों की अपनी नीम अंधेरी दुनिया में वापस चला गया। लेके दिल लम्हा तन्हाई का थम गया समा ये जुदाई का लेके दिल लम्हा तन्हाई का थम गया समा ये जुदाई का खामोश क्यों आवाज है जाने छुपा हुआ है दिल अकेला अंधेरों से निकल के आया है ये उजाला दीवारों से निकल के देखी नहीं ऐसे कहीं हाँ दुनिया नहीं सबसे जुदा सबसे अलग से क्या हुआ
हो ऐ खुदा गुनाह जान क्या हुआ, आसमां बता उसे क्या हुआ, ओ ऐ खुदा गुनाह जाने क्या हुआ। बदला सा क्यों है हर रास्ता तू ही बता, देखा जो यहाँ उसने आईना बदल के पाया सदा है उसने ये दिल तो मचल के। चेहरा मिला वो है जुदा वो है अलग सबसे अलग सबसे अलग सबसे अलग। सबसे अलग